नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 6 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 6 के जे सत्र 2 नी अंदर आवे छे, जेनु नाम छे न्याय। आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नो अने तेना जवाबो विषे शीखवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चैनल मां नवा होय तो मारी चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। वीडियो सारो लागे तो लाइक करो, शेर करो अने बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જો પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડીએ થી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 6 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ બિલકુલ ફ્રીમાં જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ પર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। तो आशा राखु छु अमारी एप्लिकेशन आपने गमशे, जरूर डाउनलोड करजो। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ 6। सौ प्रथम अभ्यासना प्रश्नों जोईए, जेमां पहेलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तो तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई ना पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। दूसरा प्रश्न, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तीसरा, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात ना करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। प्रश्न दो, नीचे दिए गए संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलाइए। अली ख्वाजा और वाजिद, तो उन दोनों का संवाद है वह, चलिए देखते हैं। वाजिद, आओ आओ अली भाई, कहिए क्या बात है? अली ख्वाजा, वाजिद भाई बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा हूँ, सारी तैयारी हो गई है, यह तेल से भरा घड़ा है, मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने यहाँ रख ले, जब मैं वापस आऊंगा तब ले लूंगा। वाजिद, हाँ हाँ कोई बात नहीं, यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी, वहां घड़ा रख आइए, जब लौटे तब वहां से ले जाए। अली ख्वाजा, शुक्रिया। दूसरा है अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। तो अली ख्वाजा, अरे वाजिद भाई, तेल के इस घड़े में मेरी 500 मोहरे थी, वे इसमें नहीं है। वाजिद, अली भाई आप हमारे यहाँ तेल से भरा घड़ा रख गए थे, वह वैसे का वैसा आप वापस आकर ले गए, यह मोहरे की बात कहाँ से आ गई? अली ख्वाजा, मोहरे घड़े के अंदर थी, मैंने उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है पर मोहरे नहीं है। वाजिद, देखिए आप तहखाने में जिस तरह जैसा घड़ा रख गए थे वैसा ही आपको मिल गया, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। अली ख्वाजा, उसमें मोहरे नहीं है, इसका मतलब आपने मोहरे चुरा ली है। वाजिद, अली एक तो मैं आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इल्जाम, शर्म नहीं आती आपको? अली ख्वाजा, शर्म तो तुमको आनी चाहिए, दोस्त और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए मोहरे चुरा ली और अब घड़े साहूकार बनते हो। वाजिद, जो चीज थी ही नहीं उसकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारे इल्जाम लगाने से मैं चोर नहीं बन जाता। प्रश्न तीन, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा कक्ष में चर्चा कीजिए और लिखिए। शिक्षक, रमन, हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया? रमन, गुरुजी वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने दो तेलियों को बुलाया। शिक्षक, हसन ने तेलियों को क्यों बुलाया? दीपक, गुरुजी तेली ही बता सकते थे कि घड़े में भरा तेल कितना पुराना है। शिक्षक, तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया? सौरभ, गुरुजी तेलियों में तेल को चखकर तथा सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है, अली ख्वाजा 6 महीने पहले गया था, उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता, उसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकालकर नया तेल भरा होगा और पुराना तेल निकालने पर उसे मोहरे जरूर मिली होगी। शिक्षक, इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली। तो विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासना प्रश्नों पूरा थाय छे, हवे जोईए स्वाध्यायना प्रश्नों, जेमां प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है?
तो वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा, तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाला। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरे का पता चला। दूसरा प्रश्न, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घर से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया, पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थे। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तीसरा, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। चौथा, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघ कर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी 100 मोहरे दिखी, जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वह घबरा गया। प्रश्न 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय दिया? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है उसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। 6. प्रश्न, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सारा धन्यवाद दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। पहला, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर लेकर जाना चाहता हूं, अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। दूसरा, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए, वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा, आप काजी की अदालत में जाइए, लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा, आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन तेलियों से कहता है। पांचवा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। प्रश्न 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो 15, आनंद निवास कालबा देवी रोड मुंबई, 24 दिसंबर 2022, सप्रेम नमस्कार प्रिय मित्र शैलेश, कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहां की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं है। एक गुफा में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हमें सबका मन मोह लिया। हमने वहां के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने के में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मजेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। खो, क्या तुम्हारे साथ भी कई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? इस घटना को विस्तार से लिखिए।
तो एक बार मैं अपनी छोटी बहन मिनल के साथ मेले में गया था। मेले में हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के दो नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकालकर कुल्फी वाले को दिया। मिनल को ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसमें मेरे बटुए में पड़ा 10 का नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास दो नोट कहाँ से आए। अपने बटुए में नोट ना देख कर मिनल रुआसी हो गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है, अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दूँ। मैंने उसे समझाया कि दूसरे 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से ही है, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दिया और मिनल को लेकर माँ के पास गया। मैंने माँ से कहा कि माँ देखो, मिनल ने मुझे झूठा कह कर रही है। अपने जो 10 रुपये का नोट दिया था वह उसने कहीं गिरा दिया, अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ अब तू ही इसको समझा। मिलन अभी रो रही थी और उसे मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अब अरे पगली, टेबल पर देख वहां क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था तो मिलता कैसे। अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। गो, कहानी की प्रमुख घटनाओं को क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठा होना, 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना, उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रखाना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना, जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरे को चुरा लेना, अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना, खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना, अली को मोहरे वापस मिलना और वाजिद को सजा। प्रश्न 4, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं, उनको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो पहले चित्र का वाक्य होगा, एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहां सो रहा था उसके पास एक बिल था, उसमें एक चूहा रहता था। दूसरे चित्र का वाक्य, शेर को सोया देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को पंजे से पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन तुम्हारी मदद करूंगा। अगला चित्र, एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा बाहर आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। शीर्षक होगा, शेर और चूहा, और छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक संज्ञा ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। तो पहला वाक्य, बच्चों को कहानी किसने सुनाई, क्रियावाचक शब्द सुनाई। दूसरा, कुत्ते कब भौंक रहे थे, क्रियावाचक शब्द भौंक रहे थे। तीसरा, वह क्या देख रहा है, क्रियावाचक शब्द देख रहा है। चौथा, कौन किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है। तन्मय मेरे पास से कब चला गया, तो चला गया। छठा, पतंग कहां उड़ रही थी, तो उड़ रही थी, क्रियावाचक शब्द है। प्रश्न 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर दीजिए। पहला, सेवक से कौन सा अपराध हुआ, तो सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। दूसरा, राजा ने सेवक को क्या सजा दी, तो राजा ने सेवक को 6 महीने तक कारागार में डलवा दिया। तीसरा, बाल उद्यान में क्या हो रहा था, तो बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए, तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए।
पांचवा, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? तो तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए। छठा, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? तो न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणो पाठ छ न्यायना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नों पूरा थई छे। आगळना पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नों मेळवा मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो, तेमज पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोरमांथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु संजय पटेल डाउनलोड करो। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।